लेकिन दोस्तों वेलकम टू आर के बर्ड्स एंड दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नदीम आर के बर्ड चैनल के साथ। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत सारे न्यू फैंसियर्स आने वाले जो मेरे कोलीग होते हैं उनका ये सवाल होता है कि भाईजान ये भीगा दाना क्या है, ये सॉफ्ट फूड क्या है, ये इसका क्या फ़ायदा है, ये परिंदों को कब देते हैं, कैसे देते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ही मैं ये सारे टॉपिक क्लियर करूंगा और बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, अपने दोस्तों को तंग नहीं करूंगा। सॉफ्ट फूड या भीगा दाना वो चीज़ होती है, वो दाना होता है जिसको हम नरम करके भिगोकर अपने परिंदों को देते हैं। तो ये दाना आसानी से हज़म होने के साथ इनके मुदाफ़त निज़ाम को मजबूत करने वाले मादे और विटामिन और मादनियात मुहैया करता है और बर्ड्स के परों की हालत बेहतर करने में भी मदद देता है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड से बर्ड्स के इस्तेमाल से उनकी नॉर्मल रूटीन से हटकर जायका में तब्दीली का बायस भी बनता है और जिससे बर्ड्स की भूख में इजाफा भी होता है और इसे स्ट्रेस से निकलने में मदद भी देता है। तो सॉफ्ट फूड देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जब अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो उनको जब मेल फीमेल फीड करवाते हैं तो बेसिकली ये होता है कि फीड को क्रॉप मिल्क के अंदर तब्दील करना पड़ता है। तो जब आप सॉफ्ट फूड दे रहे होंगे तो सॉफ्ट फूड जो है वो क्रॉप मिल्क के अंदर इजीली जल्दी तब्दील हो जाएगा, तो जिससे जब पेरेंट्स जो हैं अपने उसको बच्चों को फीड करवाएंगे तो उसको नशोनुमा और उसके जो डेली की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जल्दी उसको मिल रही होंगी। तो सॉफ्ट फूड के अंदर बेसिकली आप अपने बर्ड्स को दालें दे सकते हैं और उसको भिगो के नरम करके बॉयल करके दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं, ठीक है, ग्रीन लीव्स वाली, और उसके अलावा स्प्राउट्स दे सकते हैं आप अपने परिंदों को, जिससे आपके परिंदों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।